हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव का जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो मेन पिलर जो है, जो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो है एग्जीक्यूटिव हेड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। सो फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो तो हमारे देश का एक नॉमिनल हेड होता है, यानी कि एक सेरेमोनियल हेड होता है सिर्फ। लेकिन जो असली पावर होती है, जिनको जो है यूज करके देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना होता है, फॉरेन पॉलिसीज को बनाना होता है, सारा काम जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता से ही करता है। तो इस प्रकार हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास सारी रियल पावर्स होती हैं। इस प्रकार आइए दोस्तों देखते हैं कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का, और ये वो व्यक्ति होता है जो रूलिंग पार्टी का हेड होता है। रूलिंग पार्टी के हेड को प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद वेरियस डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट, इन तीनों ही ग्रुप के लोगों को या इन मिनिस्टर्स को जो मिनिस्ट्री दी जाती है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो सब काम फिर प्राइम मिनिस्टर करते हैं। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर हम और लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट भार वाले जो हैं, उन सब का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में उनको एडवाइज करते हैं और उन्हीं के जो है लीडरशिप में पूरा ये गवर्नमेंट का मशीनरी चलती है। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना, मिनिस्टर्स को किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको एविएशन मिनिस्टर बनाना है, ये सारी जिम्मेदारी जो है किसकी होती है, प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो है ये सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिए जाते हैं, वही मेन हेड होता है जो डिसाइड करता है। अच्छा, अगर हम बाकी और लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर बात करें, तो जो भी कानून बनाए जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी कानून बनाए जाएंगे, तो चूंकि मेजोरिटी में लोकसभा होती है, लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, तो फ्रेंड्स जो मेजोरिटी में सरकार है, जो हाउस है, यानी कि जो हाउस ऑफ पीपल है, या यूं कहिए जो लोअर हाउस है हमारे पार्लियामेंट्री बॉडी के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं राज्यसभा के मुकाबले। तो चूंकि ये लोग मेजोरिटी में है और इनका हेड प्राइम मिनिस्टर है, तो इस तरीके से जब कोई बिल मेकिंग बिल बनता है या कोई लॉ बनता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है लोकसभा के अंदर, क्योंकि वो मेजोरिटी में है और उस मेजोरिटी के जो एमपीज हैं उनका हेड जो है प्राइम मिनिस्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है काफी पावरफुल है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव जो हमारी असेंबली होती है, पार्लियामेंट है, लोकसभा है, लोकसभा का सेशन कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है, इस तरीके की जो एडवाइस है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। वैसे तो देखो सेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सेशन को बुलाते हैं। मिलिट्री पावर्स की अगर बात करें, देखिए वैसे तो हमारे सारी तीनों फोर्सेस का हेड प्रेसिडेंट होता है, लेकिन अगेन वो नॉमिनल हेड होता है। बाकी तीनों फोर्सेस को जो उनके लिए डिफेंस के लिए वेपन्स लेने हैं या किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है और किस तरह से डिप्लॉयमेंट करना है, ये सारी चीजें जो है ना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट करता है। सो मिलिट्री पावर्स में ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसके अलावा किसी भी पड़ोसी देश के लिए किसी भी तरह की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी है बॉर्डर को लेकर के, जैसे चाइना का और इंडिया का बॉर्डर है, या बांग्लादेश का और इंडिया का बॉर्डर है, या पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर में अभी देखिए धारा 370 को हटा दिया गया है, तो वहां पर आर्म फोर्सेस को लगाना है, डिप्लॉयमेंट करना है, कहां पर किस तरीके से क्या ट्रेनिंग करनी है, क्या इंस्टीट्यूशंस ओपन करने हैं, कितने भर्तियां निकालनी है, कितना क्या करना है, तो डिफेंस का ये सारा, मिलिट्री का ये सारा जो फंक्शनैलिटी है, ये स्ट्रेटजी जो है ये प्राइम मिनिस्टर को ही लुक आफ्टर करनी पड़ती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जितने भी काम करते हैं किसी भी ऑफिसेज के अंदर, किसी भी ऑफिशियल का जो अपॉइंटमेंट होता है, जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर जो है, ECI के जो हेड है उनका अपॉइंटमेंट, या AGI का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट, या CAJ यानी कंट्रोलर जो है ऑडिट जनरल, या UPSC कमिश्नर, या RBI के गवर्नर, ये राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करता है। चलिए फॉरेन पॉलिसीज देखिए, ये देश का जो प्रधानमंत्री होता है ना, वही
रूलिंग पार्टी है, लोगों ने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, और चूंकि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक सिस्टम है तो जो सरकार लोगों द्वारा चुनकर के 5 साल के लिए एग्जिस्टेंस में आई है, अब वो अपनी उनकी खुद की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, और वो उन पॉलिसी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ही आगे 5 साल के लिए फॉरेन पॉलिसीज को, स्ट्रेटजीज को बनाएंगे, फॉरेन पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे, किस देश के साथ में हमने कैसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हैं या कितना डिप्लोमेटिक हमने उनके साथ रहना है, ये सारे डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर लेते हैं और डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। देखिए कितनी बार प्राइम मिनिस्टर हमारे विजिट करने के लिए जाते हैं या दूसरे देशों के लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है, किसको इन्वाइट करना है, किस तरह के फंक्शन में इन्वाइट करना है और किन किन देशों में जाकर के विजिट करना है, वहाँ के राष्ट्रपति को मिलना है, फिर पॉलिसीज को कैसे उस तरीके से शेप अप करना है, तो ये सारी चीजें हमारे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के अंदर आते हैं। तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का, और इसकी सलाह के बगैर तो प्रेसिडेंट भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने एग्जीक्यूटिव्स के अंदर अपना लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ था पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक बच गया है ना हमारे इंस्टीट्यूशंस में, तो 3 इंस्टीट्यूशंस में से 2 तो हमने कवर कर लिए, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में आज ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो होगा जुडिशरी के बारे में, कैसे हमारे देश की जुडिशरी फंक्शन करती है इंडिपेंडेंटली, और कैसे वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेटर होती है, किस तरह की पावर्स उसके पास है, हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है, सी यू फ्रेंड्स, मिलते हैं।